दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। खाड़ी देश जॉर्डन के शाही परिवार में अंदरूनी तौर पर चल रहा घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। किंग अब्दुल्ला के सौतेले भाई और जॉर्डन के पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा बिन हुसैन ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और उन्हें परिवार के अलावा किसी से भी मिलने की मनाही है। प्रिंस हमजा का आरोप है कि उनके घर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। हमजा ने भ्रष्टाचार, राजनीतिक अक्षमता और उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। बताया जा रहा है कि जॉर्डन में राजशाही और सरकार के खिलाफ बोलने वाले कम से कम 19 लोगों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा बिन हुसैन पर तख्तापलट की साजिश रचने और राज परिवार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है। लंदन में किल द बिल विरोध प्रदर्शन में अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद कम से कम 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और 10 अधिकारियों के शनिवार को ऑपरेशन के दौरान घायल होने की भी खबर है। शनिवार को पेरिस में हजारों जलवायु प्रचारकों ने रोड मार्च निकाला। इनकी मांग थी कि सरकार जलवायु परिवर्तन को लेकर और सख्त हो और क्लाइमेट चेंज को लेकर सरकार अपने लक्ष्य भी निर्धारित करे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 22-23 में जलवायु सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें दुनिया के 40 देशों को आमंत्रित किया गया है। सोमाली सेना के 2 शिविरों में शनिवार को एक ही समय पर 2 विस्फोट हुए, जिसमें कम से कम 9 सैनिकों की मौत हो गई। सेना ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलावरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कट्टरपंथी समूह अल शबाब ने ली है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए बांग्लादेश में फुल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेशी सरकार के मुताबिक 5 अप्रैल यानी कि सोमवार से एक हफ्ते का फुल लॉकडाउन लागू हो जाएगा। फ्रांस में बेकाबू होते कोरोना को काबू में करने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन जारी है। लियोन शहर के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां हजारों लोगों को हर दिन वैक्सीन की डोज दी जा रही है। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। भारत में आज 85,330 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, तो वहीं 460 लोगों की जान चली गई। वहीं इटली, तुर्की, पोलैंड जैसे कई देश फिर से कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इटली, फ्रांस, हंगरी समेत यूरोप के कई देशों ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है।